क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को हम पढ़े थे और फंजाई की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने दो ग्रुप्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है जिनमें है जाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा। इन दो ग्रुप्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट लेंगे बेसिडियोमाइकोटा से। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारे पास आज जो ग्रुप है या जो फाइलम है वो क्या है? बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा बेसिडियोमाइकोटा जो है इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स ठीक है, या इनको क्लब फंजाई भी कहा जाता है। बेसिडियोमाइकोटा जो ग्रुप है बेसिकली ये बहुत ही फेमिलियर ग्रुप है, यानी इसके बारे में हम आम तौर पे जानते हैं। और फेमिलियर किस तरह से है, वो इस तरह से फेमिलियर है कि इसके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम जानते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कुछ तो एडिबल भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास एडिबल मशरूम है, वो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रस्ट हैं या स्मट हैं, ठीक है। एक हमने कहा एडिबल मशरूम्स हैं, इसके अलावा प्लांट पैथोजेंस आ जाते हैं, और प्लांट पैथोजेंस के अंदर हमारे पास रस्ट और स्मट, ये दो मेजर एग्जांपल्स हैं इस फंजाई की। इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, जैसे हम इनको कहते हैं पफ बॉल्स एंड ब्रैकेट शेल्स वगैरह। ठीक है, तो ये तमाम ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ये बेसिडियोमाइकोटा के अंदर आते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम बाकी ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं, बाकी फाइलम को, उनके अंदर हमने रिप्रोडक्शन को देखा है, इसी तरह बेसिडियोमाइकोटा जो है इसके अंदर भी हम देख लेते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। बेसिडियोमाइकोटा जो है इसके अंदर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेक्चुअल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है बेसिडियम। और ये जो बेसिडियम है इसके अंदर ही हमारे पास जो स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी का वो होता है। और प्लाज्मोगेमी हम कहते हैं ये वो स्टेप है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज़ करता है। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ कर लेता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी कहाँ पर हो रहा है? प्लाज्मोगेमी जो है वो हो रहा है इनसाइड बेसिडियम। अच्छा, एक तो प्लाज्मोगेमी का स्टेप हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम कहते हैं कैरियोगेमी या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो स्टेप है वो भी बेसिडियम के अंदर ही हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये हमने कहा कि ये भी बेसिडियम के अंदर हो रहा है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि मियोसिस के स्टेप से स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन जो है इसके अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। वो इस तरह से कि इसके अंदर फोर स्पोर्स बनते हैं। और ये किस तरह के स्पोर्स हैं? ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोर्स क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो ये हमने देख लिया इसके अंदर रिप्रोडक्शन को। अगर हम जनरल इसके बॉडी की बात करें कि बॉडी टाइप, बॉडी इसके किस तरह की होती है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो सेप्टेट हाइफी पाया जाता है। सेप्टेट हाइफी। और इसके जो सेल्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें आपको नज़र आया कि प्लाज्मोगेमी है और उसके बाद फिर हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन भी आ जाती है, बट इसके जो सेल्स हैं वो इन दो फेजेस में होते हैं। ठीक है, एक फेज़ में इसके सेल्स जो हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और एक फेज़ में वो बाई न्यूक्लिएटेड, यानी कि उनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि जो एक स्टेप हमने देखा था ना हेट्रोगेमी का, जिसमें हमने कहा था कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो हैं वो एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं, तो वो इस केस में होता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि सेल्स जो हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे एक फेज़ में और बाई न्यूक्लिएटेड होंगे दूसरे फेज़ में। इसके जो फ्रूटिंग बॉडी होते हैं, अगर इसकी फ्रूटिंग बॉडी की बात की जाए आमतौर पर, जैसे हमने इसके एग्जांपल के अंदर देखा है कि एग्जांपल में हमारे पास क्या है, मशरूम इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी में जो विजिबल मशरूम वाला जो एरिया होता है वो क्या है? विजिबल मशरूम, ये मशरूम जो होगा वो क्या होगा? वो डायकैरियोटिक है। और डायकैरियोटिक हम कहते हैं ये वो फेज़ होता है जिसमें साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हुआ है लेकिन
न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ नहीं हुआ होता, ठीक है। तो ये डायकैरियोटिक माइसीलियम की एग्जांपल। इस एग्जांपल्स अगर हम देख लें कि और कौन कौन सी एग्जांपल देख, तो हमने मशरूम की बात कर ली, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं पिसिनिया। पिसिनिया जो है वो रस्ट फंजाए हैं, और इसके अलावा है हमारे पास उस्टिलैगो। उस्टिलैगो एक बहुत ही मशहूर फंजाए है जिसे हम कहते हैं स्मट फंजाए। अच्छा, आपको पता है रस्ट को रस्ट क्यों कहा जाता है और स्मट को स्मट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि रस्ट जो है ये आमतौर पे पौधों के ऊपर पाया जाता है, और इसका जो कलर है वो ऑरेंज येलो कलर होता है, और ऑरेंज येलो कलर के हमारे पास स्पॉट्स बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं पौधों के ऊपर, ठीक है, आमतौर पे लीव्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर। तो ये जो इसका ऑरेंज येलो कलर है ये फिर समटाइम्स कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा रस्टी रेड से कलर में, ठीक है। तो ये इसका कलर है, इस वजह से इसको इसका नाम दिया जाता है रस्ट। और ये जो स्मट है, स्मट को स्मट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज कुछ डस्टी स्पोर्स, ब्लैक कलर के डस्टी स्पोर्स बनाते हैं स्मट अपने जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये एक्ट करता है। लेट्स सपोज अगर ये वीट के ऊपर है, गंदुम के ऊपर अगर ये एक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा कि गंदम के ऊपर जाके ब्लैक कलर के डस्टी स्पोर्स बना देगा, ठीक है। और जो डस्टी स्पोर्स हैं वो रिजेंबल करेंगे सूट या स्मट के, इसी वजह से इसका नाम जो है वो स्मट है। अच्छा, ये जो एक एग्जांपल हमने देखी है उस्टिलैगो की, इसको ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं। हमने कहा कि स्मट्स जो हैं वो वीट के ऊपर, गंदम के ऊपर या बार्ले वगैरह के ऊपर एक्ट करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम नोट डाउन करते जाते हैं। स्टेप्स इस तरह के हैं कि उस्टिलैगो क्या करता है कि इसके स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स कहलाते हैं टीलियोस्पोर्स। अच्छा, अब टीलियोस्पोर्स क्या करते हैं? टीलियोस्पोर्स जो हैं वो विंड की मदद से उड़ते उड़ते जाके इन्फेक्ट करते हैं एक हेल्दी प्लांट को, ठीक है, एक हेल्दी प्लांट के ऊपर जाके अपने आप को अटैच कर लेते हैं। अच्छा, हेल्दी प्लांट के ऊपर ये आ गए, हेल्दी प्लांट पे आके क्या करते हैं कि यहाँ पे ये स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं। अच्छा, जब स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, इनके जो जर्मिनेट हो गया ना, अब ये एक माइसीलियम बन गया, इस माइसीलियम के अंदर से जो हाइफी है वो ये करेगा कि वो पेनिट्रेट कर लेगा वो जो एक नया हेल्दी प्लांट था ना, उसका जो फ्लावर है उसके फ्लावर के अंदर पेनिट्रेट कर लेगा, ठीक है, विल पेनिट्रेट फ्लावर, ओवरीज, फ्लावर की ओवरीज के अंदर जाके उसने पेनिट्रेट कर लिया। अच्छा, अब ओवरी के अंदर क्या करेगा, ओवरी के अंदर इसका जो माइसीलियम है वो स्प्रेड होगा, और माइसीलियम के स्प्रेड होने के बाद होगा ये कि अपने आप को फैला लेगा, ढेर सारे यहाँ पे हाइफी बन जाएंगे, और होगा कि अपने आप को ये डॉर्मेंट रखेगा, इट विल रिमेन डॉर्मेंट, ठीक है, और डॉर्मेंट होने के साथ साथ ये सीट के अंदर, सीट का पार्ट बन जाते हैं, इट विल रिमेन इनसाइड सीड, ठीक है। ये जो प्लांट था हेल्दी प्लांट, इसके अंदर जो एक सीड बन रहा है, अब क्या माइसीलियम ने क्या किया कि माइसीलियम जो है वो इस सीड का हिस्सा बन गया, ठीक है। अब जब ये सीड बनते हैं तो क्या होता है कि नेक्स्ट सीजन में इन्हीं सीड को ग्रो कराया जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर यही बीज जो है गंदुम के वो डाल दिए जाते हैं ताकि गंदुम के नए पौधे बने, ठीक है। तो होगा ये कि ये जो सीड, अब ये तो इन्फेक्टेड सीड है, ठीक है, सीड के अंदर क्योंकि माइसीलियम है तो पता भी नहीं चलेगा, बाहर से सीड बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएगा। तो ये इन्फेक्टेड सीड जब नेक्स्ट सीजन में इसको ग्रो जाएगा या सो किया जाएगा बेसिकली, तो ये होगा कि इसके अंदर जो हाइफे जो कि अभी यहाँ पे आपको डोरमेंट स्टेट में नजर आ रहा है वो फिर एक्टिव हो जाएगा। ये हमने देख लिया कि नेक्स्ट सीजन में इन्फेक्टेड सीड को जब हम बोएंगे या जब उसको सो किया जाएगा तो क्या होगा कि हाइफे जो है वो डोरमेंट स्टेट से निकल आएगा, एक्टिव हो जाएगा और ग्रो करेगा, ठीक है। जब हाइफे ग्रो करेगा उसके बाद ये होगा कि इसके अंदर स्मट स्पोर्स बन जाएंगे, इट विल फॉर्म स्मट स्पोर्स, और स्मट स्पोर्स क्या करेंगे कि वो उस बीज का हिस्सा बन जाएंगे। अब जब वो पौधा बड़ा होगा तो उस पौधे के बड़े होने के साथ साथ यहाँ पे हाइफी भी जो है वो ग्रो करता जाएगा, और वो पौधा कम्प्लीटली जो है वो ब्लैक कलर का, उसके ऊपर स्मट जो है वो फैल जाएगा पूरे पौधे के ऊपर, तो इस तरह से ये पूरी फसल को भी तबाह कर सकता है। और उसके बाद क्या होगा, फसल तो तबाह होगी, उसके बाद ये होगा कि मज़ीद अब वो डिस्पर्स हो जाएगा विंड से और बाकी फसल को भी
डिस्ट्रॉय करेगा। ये एक इमेज है हमारे पास, और इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको स्मट को दिखाया गया है कि किस तरह से गंदम के जो छोटे छोटे दाने थे उनके अंदर अब आपको ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये रस्टी सा स्ट्रक्चर होगा और ये क्या है, बेसिकली स्मट ने इसको इन्फेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी आपको दिखाया जा रहा है कि एक साइड पर कुछ ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर हैं और कहीं पर आपको ब्लैक कलर से दिखाया गया है, और ये है क्या, बेसिकली ये सब जो हैं वो स्मट हैं जिसने गंदम को ख़त्म किया हुआ। अगर गंदम के नॉर्मल दानों को आप देखें, यहाँ पे ये आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल दाने हैं ये, बिल्कुल ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक जो है वो स्मट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्मट का जो डिज़ीज़ लाइफ साइकिल है वो दिखाया जा रहा है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये टीलियोस्पोर्स हैं, और टीलियोस्पोर्स हमने कहा था कि सेलैगो के स्पोर्स कहलाते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिडियम के अंदर यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। और स्पोर्स के बनने के बाद क्या हो रहा है कि इन्फेक्शियस हाइफा आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि हाइफा जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है, और अब इसके अंदर जो प्लांट्स जो ग्रो करता जा रहा है वो किस तरह का कर रहा है, यहाँ पर आपको ब्राउन कलर से दिखाया जा रहा है कि माइसिलियम जो है उसने इन्वेड कर दिया है वीट को, ठीक है, इसके अंदर तक चला गया। अब इसके अंदर जो नए इसके गंदम के जो दाने बनेंगे उनमें क्या होगा, उनके अंदर भी टीलियोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, और हर दाने के साथ, इसके जितने भी दाने होंगे इसके हर दाने के साथ या गंदम का जो एक यूनिट होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये हमें बंटेड कर्नल्स, या फिर हम इसे कहेंगे कि गंदम के जो का एक जो सिट्टा है उसके अंदर जो है ब्लैक ब्लैक आपको स्मट नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे से आप देख रहे हैं कि अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाली स्टेज में और इस स्टेज में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो स्मट है वो अभी तक अपने उस स्पोर के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आके उसका जो स्पोर है वो टूट चुका है, बर्स्ट हो चुका है, और इसके अंदर से भी आपको स्मट जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यही साइकिल दोबारा चलता जाएगा कि ये जो बाय विंड जो है ये स्मट यहाँ से मूव करेंगे, स्मट के जो स्पोर्स हैं यहाँ से मूव करेंगे, वो फिर किसी हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, और ये साइकिल जो है बेसिकली इसी तरह से चलता जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स, तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने बेसिडियोमाइकोटा के एग्जांपल को देखा, बेसिडियोमाइसीट्स को बेसिकली, और यहाँ पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं स्मट्स की, ठीक है। तो स्मट्स किस तरह से वीट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसका एक पूरा साइकिल हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिडियोमाइकोटा की, हमने कहा था कि बेसिडियोमाइकोटा के अंदर मशरूम्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मशरूम्स आपको दिखाए गए हैं एक साइड पे, यहाँ पे थोड़े से आप कह लें कि जंगली किस्म के मशरूम हैं, और कुछ एडिबल मशरूम भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बेसिडियोमाइकोटा के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आपको एक प्लांट दिखाया गया है जिसके ऊपर आपको रेड रेड से ऑरेंज रेड कलर के या पर्पलिश थोड़े से दाग से नज़र आ रहे हैं या स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये बेसिकली है रस्ट। अच्छा, तो ये हमने देख लिया बेसिडियोमाइकोटा को। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट, जो लास्ट हमारे पास एक ग्रुप रह गया है ड्यूटेरोमाइकोटा, ठीक है। बेसिडियोमाइकोटा हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास ड्यूटेरोमाइकोटा है, इसको भी देख लेते हैं। ड्यूटेरोमाइकोटा को इम्परफेक्ट फंजाय भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स, या फिर हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। और ड्यूटेरोमाइकोटा जो है बेसिकली एक हेट्रोजेनस ग्रुप है। हेट्रोजेनस का मतलब है कि इसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और ये भी एक बहुत डाइवर्स ग्रुप है। और इसके अंदर जो डिफरेंस है बाकी ग्रुप से वो ये है कि इसके अंदर वो फंजाई पाए जाते हैं जिन सबके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, यानी इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमेशा एसेक्चुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ तो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एस्कोमाइसीट से रिजेंबल कर रहे होते हैं, और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाकी जो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास ड्यूटेरोमाइकोटा के, यानी कि बेसिडियोमाइकोटा है या जाइगोमाइकोटा, वो उनसे रिजेंबल कर रहे होते हैं, ठीक है, समहाउ और द अदर। बट ये डिफरेंट हैं, और डिफरेंट इस तरह से हैं कि हमने कहा कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। अब ये पता कैसे चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो ड्यूटेरोमाइकोटा से बिलोंग करता है, वो इस तरह से कि जब हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस वक्त हम इनके डीएनए सीक्वेंस को भी देखते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब क्लासिफिकेशन की जाती है डीएनए सीक्वेंस भी देखा जाता है, और डीएनए सीक्वेंस से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और कौन सा ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म्स आते हैं,
सबसे पहली एग्जांपल जो है वो है पेंसिलिन, या इसे पेंसिलियम भी कहते हैं, ठीक है। पेंसिलियम बहुत ही मशहूर हमारे पास एक फंजाई है। इसके अलावा हमारे पास और जो बाकी एग्जांपल हैं उसमें हमारे पास आ जाता है एस्परगिलस, जिसे हम ब्राउन मोल्ड भी कहते हैं, और इसके अंदर हेलमिंथोस्पोरियम, और अल्टरनेरिया फ्यूसेरियम, अल्टरनेरिया फ्यूसेरियम, ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। कुछ और ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल इसी तरह के। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा पेंसिलियम को, इसकी कुछ और डिटेल्स को भी हम देख लेते हैं। पेंसिलियम, पेंसिलियम जो है इसे हम ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन मोल्ड, और ये बेसिकली एक सेप्रोट्रॉफिक स्पीशी है, सेप्रोट्रॉफिक स्पीशी, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक भी हम इसे कह सकते हैं और हम इसको पैरासिटिक भी कह सकते हैं, बिकॉज मोस्टली ये फ्रूट्स वगैरह के ऊपर पेंसिलियम जो है वो पाया जाता है। अगर आप डिकेइंग फ्रूट्स को देख लें या ब्रेड को देख लें, इसके अंदर आपको नज़र आएगा पेंसिलियम। अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पेंसिलियम जो है इसके अंदर सेप्टेट हाइफी पाए जाते हैं, सेप्टेट हाइफी, और जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनके जो स्पोर्स हैं वो नेकेड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बाय नेकेड स्पोर्स, और वो जो नेकेड स्पोर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नेकेड स्पोर्स कहलाते हैं कोनिडिया। और इसके केस में कोनिडिया जो है वो इतने बड़े होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। और ये कोनिडिया कहाँ बनते हैं, कोनिडियो फोर्स के अंदर बनते हैं। और ये जो कोनिडिया बनते हैं, थोड़ा सी इनके अंदर डिफरेंस ये है कि इनकी एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, ब्रश लाइक इनकी अरेंजमेंट होती है जो कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाई जाती है। और मोस्टली जो कलर आता है माइसीलियम का, या इसका जो कलर आता है किसी भी स्पीशी के ऊपर जब ये ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि डिकेइंग फ्रूट के ऊपर या ब्रेड के ऊपर, तो उसके ऊपर अक्सर ऑरेंज कलर आ जाएगा या वाइटिश सा कलर आ जाएगा। तो कलर कहाँ से आता है, कलर जो है वो इस कोनिडिया का कलर होता है। तो हम कहते हैं कि कोनिडिया गिव्स कलर टू माइसीलियल कॉलोनी, और आमतौर पे इसकी जो कॉलोनी होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। अगर आप ऑरेंज के ऊपर देखें, ऑरेंज के ऊपर आपको अक्सर फंगस जो है वो नज़र आएगा, वो सर्कल्स के फॉर्म में होगा। और अच्छा, यहाँ पे जब हमने बात की कोनिडिया बनते हैं, कोनिडिया जो है वो फिर अल्टीमेटली डिस्पर्स हो जाते हैं जब वो मेच्योर होते हैं, तो मेच्योर कोनिडिया डिस्पर्सेस, वो डिस्पर्स हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको फिगर के अंदर पेंसिलियम जो है वो दिखाया गया है, ऑरेंज के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक ग्रीनिश सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और ग्रीनिश और कुछ साइड से ब्लू है, वाइट है, ग्रीन सा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये क्या है, ये पेंसिलियम है, ठीक है। और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आपको कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये क्या है, ये हमने देखा है कि ये कहलाता है ड्यूटेरोमाइकोटा। ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर मैक्सिमम अगर होता भी है तो बर्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बर्ड फॉर्मेशन या इसके अंदर कोनिडिया जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ड्यूटेरोमाइकोटा को। थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को देखा, और क्लासिफिकेशन के अंदर हमने जाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा को ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हमने बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा को देखा, और बेसिडियोमाइकोटा के बारे में जब हमने पढ़ा तो इसकी एग्जांपल पे डायरेक्ट आ जाते हैं। हमने क्या देखा कि इसके अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो, एक तो उसके अंदर स्मट्स आ जाते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स में यहाँ पे आप वीट प्लांट को देख सकते हैं, गंदुम को, और इसके अलावा हमने कुछ और ऑर्गेनिजम्स को भी देखा, जैसे कि मशरूम्स आ जाते हैं, मशरूम्स एडिबल भी होते हैं। इसके अलावा हमने रस्ट को देखा, रस्ट भी जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, प्लांट लीव्स और स्टेम को। इसके बाद हमने ड्यूटेरोमाइकोटा को देखा, ड्यूटेरोमाइकोटा के एग्जांपल्स में हमने बात की पेंसिलियम की, और पेंसिलियम के फिर हमने यहाँ पे डायग्राम में भी देख लिया कि किस तरह से इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।